शहर के राष्ट्र संतर टुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल ने हाल ही में और एक उपलब्धि को हासिल किया है जहां हॉस्पिटल को सीएम पी के रिजनल डायरेक्टर राजेश प्रहलाद इनके द्वारा नौ पैथोलॉजी इक्विपमेंट को डोनेट किया गया जिससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी जिसके संदर्भ में अति जानकारी साझा की है राष्ट्र संतर तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल के एडिशनल डायरेक्टर कर्नल डॉक्टर विकास धानुरकर ने बीते पचास सालों से मरीजों की सेवा में रहने वाला साकर का राष्ट्र संत हॉस्पिटल है यहाँ दूर दराज ऐसी मरीज आते हैं यहाँ आने वाले मरीजों को सभी सुविधा मिल सके इसके लिए अस्पताल प्रशासन हमेशा ही तत्पर रहता है इसी के मद्देनजर समाज के दाताओं द्वारा अस्पताल को सहयोग किया जाता है इस श्रृंखला में सीएम पी के रीजनल डायरेक्टर राजेश प्रहला की ओर से महत्वपूर्ण नव पैथोलॉजी इक्विपमेंट को डोनेट किया गया है जिससे अब यहाँ आने वाले मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल पाएगी जिससे मरीजों के इलाज में काफी मदद होगी और जल्द से जल्द बीमारी का निदान और इलाज हो पाएगा ऐसा डॉक्टर विकास धानुरकर और डॉक्टर बीके शर्मा इनके द्वारा कहा गया गुड मॉर्निंग आई एम कर्नल डॉक्टर विकास धानुरकर I am Additional Director in Rashtar Santa Tukhuduji Cancer Hospital. Uh, recently, we have been donated uh, some important pathology equipments, pathology equipments from the uh, regional director uh, CMPDA, Mr. Rajesh Ralhan. He took efforts from CMPDI and donated about nine important pathology equipments worth approximately 35 lakhs from their CSR activity fund. These equipments uh, are going to help our uh, cancer institute in reducing the TAT, that is, turnaround time to. Um, give the pathology report also some equipments like cryostat microtome which gives frozen section report while the surgery is going on abdomen or chest cavity is open that time the samples are sent to pathology department and this equipment will give us the um, pathology histopathology report within twenty to thirty minutes till the time the surgeon is waiting in OT, and this report is going to assist all our surgeons in proper uh, management, surgical management. They will go ahead with the uh, with the help of that report, which will change the protocol of surgery, and uh, uh, it will avoid.

हिमाटोलॉजी रिपोर्ट्स दिस इक्विपमेंट्स विल असिस्टस इन गिविंग द अर्ली एंड एकट डायग्नोसिस इसमें से बाकी के नाइन इक्विपमेंट्स में से सात आठ इक्विपमेंट कॉमन है जो हमारे पास पहले भी थे और ये आने से हमारे और सुविधा बढ़ गई और ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम हम कम कर सकें वेर एज जो मैंने माइक्रोटम बताया Uh, जो uh, फ्रोजन सेक्शन के लिए इट वाज़ नॉट अवेलेबल विथ हस ये हमारे पास पहली बार सी एम ने डोनेट करने की वजह से हमारे पास ये मशीन आई नागपुर में तीन चार जगह पर है बट ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी तो ये फैसिलिटी की वजह से हम लोग इसका रिपोर्ट फ्रोजन सेक्शन का रिपोर्ट अभी कर पाएंगे ऑलरेडी हमने शुरू कर चुके हैं और पंद्रह बीस लोगों की सर्जरी इसके सहूलियत के वजह से हमारी प्लान हुई है और सम चेंजेस भी इसके वजह से हमारे सारे सर्जन जनरल ऑंको सर्जन देन ऑंको गाइनिकोलॉजिस्ट हेड नेक फेस के सर्जन इन सबको इसका काफ़ी हद तक इसका उपयोग होगा और इस वजह से माइक्रोटोम की वजह से हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट सही समय पे और लाइक like मैंने जो बताया था आपका क्वेश्चन उसमें पहली बार तो अगर ये आधे घंटे में बता देता है चेंजेस कि अगर सेक्शन uh, किया तो ट्यूमर बिनाइन है या मेलेग्नेंट है तो बिनाइन है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा सर्जन विल क्लोज एंड कम आउट इफ इट इज मेलेग्नेंट देन इट विल ऑल्सो टेल वॉट टाइप ऑफ मेलेग्नेंसी वेदर अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व इफ एनीथिंग एल्स इज इन्वॉल्व देन वी विल Plan uh, the surgeon will plan the surgery accordingly, and uh, that type uh, within that period he will plan what is to be operated, what is to be taken, and also assist in further management. Whether radiotherapy is required, chemotherapy is required. So that is how these equipments are going to help us. Uh, lastly, I thank CMPDI Regional Director Mr. Rajesh Ralhan for extending this help and making. अवर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट मॉडर्न एंड विद द लेटेस्ट इक्विपमेंट वी शुड बी एबल टू गिव अ बेटर सर्विसेज टू द कम्युनिटी दैट इज कैंसर पेशेंट्स फ्रॉम द कम्युनिटी थैंक यू नमस्कार मैं डॉक्टर वी शर्मा ऑनरे कंसल्टेंट राजल कैंसर हॉस्पिटल पिछले पचास वर्षों से हम लोग ये सेवाएँ दे रहे हैं और मैं यहाँ चालीस वर्ष से काम कर रहा हूँ जहाँ तक सवाल है कि, कि हॉस्पिटल के डेवलपमेंट्स की धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जड़ें मजबूत होते गई और आज हमने 50 वर्ष पूरे कंप्लीट कर लिए हैं एक उपलब्धि बहुत अच्छी हुई है आज इस उपलब्धि में अभी हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब ने आपको बताया कि किस तरह से वो मशीन अपना काम करती है और सभी तरह के ऑपरेशन आज हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यूँ कहिए कि ज़्यादा करके इस मशीन का ज़्यादा उपयोग हम लोग जैसे ओरल कैंसर में भी करते हैं अगर हमें लगता है कि यहाँ पर कैंसर की संभावना है तो वहाँ से हम लोग टिश्यू निकाल कर उसकी जाँच करते हैं और ये मशीन उनको तुरंत बता देती है कि इस पेशेंट को कैंसर है कि नहीं जहाँ कि हम लोगों को लिए काफ़ी काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ता है छः दिन लगते हैं सात दिन लगते हैं लेकिन आज ये व्यवस्था हमारे अस्पताल में उपलब्धि है और दूसरी और एक बात बता दूँ कि मैं इस हम आई के माध्यम से मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं और एक और उपलब्धि हो रही है बहुत जल्दी उसका नाम है पैट स्कैन पैट स्कैन और एम आर स्कैन में बहुत डिफरेंस है पैट स्कैन वो होता है कि पूरा का पूरा शरीर के अंदर में जहाँ जहाँ कैंसर फैला है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है आ राष्ट्र संत टुकड़ो के गरीबों की सेवा के संदेश पर चलते हुए राष्ट्र संत टुकड़ो महाराज कैंसर अस्पताल पिछले 50 वर्षों से सेवा रहा है गहन चिकित्सा इकाई से मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हुई है कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट